में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। यहाँ पे सामने ओआर की स्क्वाड मुझे यहाँ पे देखने को मिल पा रही है सोल के सामने, अगर एक भी अर्ली एग्जिट हुआ यहाँ पे फिलहाल टीम सोल यहाँ पे बैकहेंड पे आ सकती है। वही चीज मैं ओआर के लिए भी यहाँ पे कहना चाहूंगा, दोनों ही टीम्स यहाँ पे काफी ज्यादा सफर कर सकती है, दोनों ही टीम्स को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजाइज होकर खेलना पड़ेगा। आरपीजी की स्क्वाड थोड़ा सा नॉकआउट करते हुए दिख रही है आई गेस, तो शायद हमें वहां पे चलना चाहिए फटाफट से, उस फाइट को भी यहाँ पे एक बार चेकआउट कर लेना चाहिए जहां पे फाइट चल रही है। ओआर के मेंबर्स यहाँ पे थोड़ा बहुत हील करते हुए देखेंगे ऑफकोर्स, बिकॉज एक एक बूस्टर का पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा मैटर करने वाला है। एंड राइवलरी और आरपीजी के बीच में काफी बेहतरीन फाइट आई गेस यहाँ पे चलती हुई दिख रही है, तो जल्दी से हम लेते हैं वहां का ड्रॉप। एंड यहाँ पे देख सकते हो गाइस फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है, दैट इज रियली बैड आई गेस। एंड रिवाइवल दिया जा रहा है बियॉन्ड दैट वॉल, देखते हैं फटाफट से यहाँ पे किस तरीके से इनको रिवाइवल दे दिया जाए पाएगा, एंड मे बी यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, मे बी ना भी हो पाए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। यहाँ पे हील मिल चुका है इनको फिलहाल, एंड केमिन ईस्पोर्ट्स के मेंबर भी फाइट लेते हुए देखेंगे। मल्टीपल फाइट्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे राइवलरी के स्क्वाड यहाँ पे फाइनल बॉस देखने को मिलेंगे, दिस इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर हिज टीम, लेट्स सी व्हाट ही कैन डू। UMP45 लेके यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हुए देखेंगे, 1v1 निकालने की कोशिश, लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस। एज यू ऑल कैन सी एक बेहतरीन नॉकआउट, बेहतरीन फिनिश यहाँ पे देखने को मिलेगा, एब्सोल्युटली लवली राइवलरी फाइनल बॉस मैनेज टू गेट हिज टेक आउट यहाँ पे फिलहाल, जिसे बोलते हैं ना गाइस बदला, जिसे बोलते हैं रिवेंज, वो निकालने की कोशिश यहाँ पे जरूर चलती हुई दिखेगी बिटवीन सोल एंड ओआर। तो चलते हैं यहाँ पे सोल एंड ओआर की यहाँ पे परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे फटाफट से, यहाँ पे क्या सिचुएशन इनके बीच में बन पाती है चेकआउट जरूर से करना चाहेंगे। वाटर सिटी के अंदर काफी ज्यादा धमाशान चलता हुआ दिखेगा, एंड रेगा की तरफ से एक बेहतरीन फिनिश देखने को मिलेगा, द गर्ल फेवरेट गाय एज मैनेज टू गेट वन अमेजिंग फिनिश, एक अच्छी फिनिश इनकी तरफ से यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। तो अब आगे देखते हैं फटाफट क्या सिचुएशन बन पाएगी। अमन हैज बीन टेकन डाउन, अमन को भी यहाँ पे पूरा फिनिश किया जा रहा है, एज यू ऑल कैन एक्सपेक्ट देयर बिगो फिनिश यहाँ पे किया जाएगा। सो आई गेस दो फिनिश मिल चुके हैं, रेगल टॉस हैज टेकन डाउन टू गाइस, एंड देयर इट इज अ परफेक्ट 1v2 वाज देयर। ये रेगल टॉस मैनेज टू गेट वन मोर नॉक, ओआर आदित्य हैज बीन टेकन डाउन बाय रेगल टॉस, क्या बात है गाइस, अलग ही लेवल एग्रेशन शायद 1v4 करते हुए दिख सकते थे यहाँ पे, एंड यस दैट वुड हैपन, 1v4 अमेजिंग सोल रेगल टॉस, यू आर जॉर्ड माय मैन, दैट गॉट फोर अमेजिंग फिनिशेस, क्या बात, दो प्लेयर्स बचे ट्रबल में लिटरली यहाँ पे मार्कोस गेमिंग काफी ज्यादा ट्रबल में, लेकिन वही अगर बात करें जाए मार्कोस गेमिंग की, तो उन्होंने भी यहाँ पे सोल को अच्छा खासा टेक डाउन यहाँ पे किया, लिटरली यू कैन सी दैट दो दो मेंबर्स को यहाँ पे डाउन किया, और अब अकेले यहाँ पे रौनक बचे हैं, निकल चुके हैं अपनी यहाँ पे मक्लेरन लेके, टेस्ला लेके टू एग्जैक्ट, फिलहाल देखते हैं रिवाइवल दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे, इट इज गोइंग टू बी अ वन हेल ऑफ अ मैच, देखते हैं इस मैच के अंदर यहाँ पे किस तरीके से अपने गेम को यहाँ पे टेक डाउन कर पाते हैं। देर वी गो रिवाइवल देने की कोशिश, सामने से सोल वाइपर आ चुके हैं, आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ ज्यादा बेहतरीन सीन बनने वाले हैं, सोल वाइपर मैच से करता है स्नीकी नॉकआउट, और यहाँ पे फिलहाल कोशिशें करते हुए दिखेंगे, लेकिन 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 प्ले जोन पहले आ जाएगी आई गेस, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे हील अप करने की कोशिश, बट प्ले जोन से नॉक्ड आउट, खराब लगा इनके लिए फिलहाल यहाँ पे। एंड अब देखते हैं रेगा अकेले के, अगर बात है रेगा इज प्रीटी मच फार अवे, आई डोंट थिंक यहाँ पे कवर देने के लिए आ पाएंगे, एंड वही अगर बात करें जाए MGZ की, तो वो अपने रिवाइवल्स यहाँ पे जरूर से लेती हुई दिखेगी। रेगल टॉस इज वंस अगेन ट्राइंग टू एक्चुअली स्काउट द एरिया, निकल चुके अपना स्कोप यहाँ पे खोल के, किसी तरीके से स्प्रेस देने की कोशिश, ट्राइंग टू पुट सम डैमेजेस, बट यहाँ पे रौनक को पूरी तरीके से पिनपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। बात ग्लोबल स्पोर्ट्स के बारे में बात करने से पहले एक बार बताना चाहूंगा दैट यहाँ पे MGZ जो सोल की फाइट पे हुई वहां पे क्या हुआ कि रेगल टॉस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, ही जस्ट वॉक्ड इनटू द ओपन एरिया, वो भाग गए क्योंकि उनके पास लिटरली ना गाड़ी थी बची, ना उनके पास यहां पे हील्स ज्यादा थी, क्योंकि यहां पे सिर्फ वाटर सिटी उन्होंने लूटा था, वहां पे भी उन्हें वन हेल ऑफ अ फाइट ली थी, एंड उसके बाद भी उन्हें काफी ज्यादा ट्रबल जोन से मिल रहा था, उन्हें यहां पे जाने का रास्ता नहीं मिला, तो वो जस्ट अपनी किल यहां पे एक तरीके से दे के चले गए, जैसे कि मैं देख पाया था POV। एनीवे आगे बाकी टीम्स की भी फाइट की हम यहां पे बात करना चाहेंगे। इस समय अगर बात करी जाए टीम GE की, तो ग्लोबल स्पोर्ट्स के मेंबर्स भी यहां पे निकल चुके हैं, रोटेशंस अपनी कटअप करते हुए दिखेंगे, दे जस्ट वांट टू गो इन द जोन एंड होल्ड अ POV, यहां पे वो होल्ड करना काफी ज्यादा स्ट्रेटजी होने वाली, वो यही होने वाली दैट जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट, एक सेकंड के लिए रुकिए, और यहाँ पे जब मौका मिले तो ताबड़ तोड़ फायरिंग करिए, और यहाँ पे गॉडल इज फाइटिंग वंस अगेन, एज यू ऑल कैन सी टीम गॉडल को यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलें देखने मिल रही है, नियो हैज बीन टेकन डाउन एज यू ऑल कैन सी फिलहाल, एंड जेड गॉड मिथ, और उसके अलावा यहाँ पे निक्सन ओपी देखने मिलने वाले, विच आर एक्चुअली जस्ट कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू टेक अ TPP एट द मोमेंट, अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखेंगे जरूर से ये टीम। आगे देखते हैं सामने FNLS की पूरी स्क्वाड देखने मिलेगी, जिन्होंने शायद यहाँ पे एक नॉकआउट निकाला था बेहतरीन, आगे देखना चाहूंगा क्या यहाँ पे सिचुएशन इनकी बन पाएगी। स्क्वाड यहाँ पे देखने मिलेगी और अपनी पोजीशन से यहाँ पे एडवांटेज पे कई बार डिपेंड हो जाता है लिटरली, यू कैन सी दैट यहाँ पे सामने रेकनिंग ईस्पोर्ट्स किसी तरीके से एक तरीके से कॉर्नर हो चुकी है, और यहाँ पे अगर बात करी जाए ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग एंगल्फ करते हुए दिखेंगे सामने वाली टीम को, स्पॉट किया स्प्रेस देने की कोशिश, एंड देयर वी गो सांगवान की तरफ से बेहतरीन नॉकआउट, फिनिश करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करी जा रही है। द मैच इज एंडेड, ग्लोबल ईस्पोर्ट्स विन दिस फर्स्ट मैच ऑफ इनसेन समर स्प्लिट, एंड देख सकते हो गाइस क्या बेहतरीन मैच मुझे यहाँ पे देखने मिला, दैट वाज एब्सोल्युटली लवली गाइस। सो विनर विनर चिकन डिनर गोज टू टीम नंबर 8 व्हिच इज नोन एज ग्लोबल ईस्पोर्ट्स, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय देम गाइस।
पॉग्बा ने बहुत ही ज्यादा असिस्ट किया अपनी टीम को, लिटरली चिकन डिनर का जो ये रास्ता था, एक जो सफर था इनका ये 30 मिनट का, उस सफर में यहाँ पे सांगवान ने बहुत ज्यादा अपना आउटकम दिया। यहाँ पे लिटरली ग्लोबल स्पोर्ट्स की अगर बात करी जाए तो उनके एमवीपी, उनके स्टार प्लेयर और उनके सबसे बड़े सपोर्टर यहाँ पे सांगवान बनते हुए दिखेंगे फिलहाल। लेकिन अगर बात करी जाए ग्लोबल स्पोर्ट्स की स्ट्रेटेजीज की, तो उन्होंने यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो उन्होंने बस मौके का फायदा उठाया, लिटरली दे वर वेटिंग फॉर दोज मोमेंट्स और बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को स्ट्रेटेजाइज किया यहाँ पे, एंड उसी की वजह से शायद यहाँ पे आज ग्लोबल स्पोर्ट्स पहले मैच के अंदर यहाँ पे चिकन निकाल पाई, एंड दैट माय फ्रेंड वाज एब्सोल्युटली लवली। बहुत ज्यादा मजा आया इनकी वहाँ पे फाइट देखे, और क्या बोले यार, एक अलग ही जोश यहाँ पे अंदर पैदा कर देता है एज अ कास्टर, हमें खुद लगता है यार कि यार हम भी काश उस मैच में होते, देख पाते उनको फर्स्ट हैंड, बट अब